हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल सारिकास कुकिंग डायरी। दोस्तों, आज मैं सूजी से चॉकलेट फ्लेवर वाले मोदक बनाने वाली हूँ, जो कम इंग्रेडिएंट्स में झटपट बन जाते हैं। वैसे ही ये मोदक खाने में बेहद ही स्वादिष्ट भी लगते हैं। अगर आपको मेरी ये मोदक की रेसिपी पसंद आए तो वीडियो के नीचे दिए लाइक के बटन को प्रेस जरूर करें। तो चलिए मोदक बनाना शुरू करते हैं। मोदक बनाने के लिए यहाँ पर मैंने गैस ऑन करके कड़े को गैस पर रख दिया है। अब कढ़ाई हल्की गर्म हो चुकी है, तो गैस की फ्लेम को स्लो रखकर हम इस कढ़ाई में आधी कटोरी घी डाल लेते हैं। अब हमने जिस कटोरी के माप अनुसार आधी कटोरी घी लिया था, उसी कटोरी के माप अनुसार एक कटोरी पतली वाली सूजी घी में डालेंगे। और अब सूजी को घी के साथ सुनहरे रंग का होने तक कंटिन्यू चलाते हुए भुनेंगे। ये पतली सूजी है, इसलिए आधी कटोरी घी का इस्तेमाल किया है। अगर मोटी सूजी होती, जैसे कि सूजी का हलवा बनाने में मैंने मोटी सूजी का इस्तेमाल किया था, जिससे हलवा स्वादिष्ट और दानेदार बनता है, तब जितनी सूजी हो उतना ही घी भी लगता है, तभी हलवा खिला खिला और स्वादिष्ट बन पाता है। पर फिर भी अगर आप घी कम पसंद करते हो तो कम घी में भी सूजी को भून सकते हैं। अगर आपके पास पतली सूजी ना हो तो आप मोटी सूजी को मिक्सर में ग्राइंड करके ले सकते हैं। आप देख सकते हैं कि अब सूजी भूनकर सुनहरे रंग की हो चुकी है। तो अब हम इसमें एक तिहाई कटोरी शक्कर डालेंगे। ये वही कटोरी है जिससे हमने घी और सूजी ली थी। शक्कर डाल ली है तो अब इसे मिक्स कर लेते हैं। शक्कर सूजी के साथ अच्छे से मिक्स हो चुकी है, तो अब इसमें उसी कटोरी के माप अनुसार दो कटोरी गुनगुना दूध डाल लेते हैं और चला लेते हैं। हमें मोदक को चॉकलेट फ्लेवर देना है, तो उसके लिए अब हम इसमें एक छोटी चम्मच कोको पाउडर डालेंगे और अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अगर आपके पास इससे थोड़ी बड़ी वाली चम्मच हो तो आधा चम्मच ही कोको पाउडर डालें। आप देख सकते हैं कि अब इसमें डाला हुआ दूध सूखने लगा है। तो अब यहाँ पर मैंने 2 10 रुपए वाली डेयरी मिल्क ली है, तो उसके भी टुकड़े करके इसमें डाल लेते हैं और मिक्स करते जाएंगे, जिससे डेयरी मिल्क पिघल जाएगी और सूजी के साथ मिक्स हो जाएगी और हमारे मोदक और भी डिलीशियस बनेंगे। आप देख सकते हैं कि चॉकलेट पूरी तरह पिघल कर मिक्स हो चुकी है और हमारे मोदक का मिक्सचर ड्राई होने लगा है। तो अब इसमें हम और बेहतरीन टेस्ट के लिए 4 से 5 चम्मच जितना मिल्क पाउडर डाल लेते हैं और अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। जब तक मैं इसे मिक्स कर रही हूँ, तब तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए। और हाँ, बेल आइकन पर भी जरूर प्रेस कर देना, ताकि जब भी मेरी नई रेसिपी वीडियो आए आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिले और आप मेरी रेसिपी को मिस ना करें। अब इसे चलाते हुए और थोड़ा ठीक कर लेते हैं। आप देख सकते हैं कि अब ये गाढ़ा हो चुका है। तो अब इसमें मैंने यहाँ पर कुछ बादाम और काजू को ग्रेट करके रखा है, उसमें से थोड़ा थोड़ा चूरा ऊपर से डाल लेते हैं। और फिर से मिक्स कर लेते हैं। ये अच्छे से मिक्स हो चुका है, तो अब गैस को बंद कर देते हैं और इसे ठंडा होने देते हैं। हमारा मिश्रण ठंडा हो चुका है, तो अब हम मोदक बनाना शुरू करते हैं। तो उसके लिए यहाँ पर मैंने ये मोदक बनाने का साचा लिया है। इस साचे को हम घी से ग्रीस कर लेते हैं, जिससे हमें साचे से मोदक को निकालने में आसानी होगी। थोड़ा घी उंगलियों पर भी लगा लेते हैं, जिससे मिश्रण उंगलियों से चिपकेगा नहीं। अब हम साचे को इस तरह बंद कर लेते हैं और मिश्रण फिल कर लेते हैं। आप देख सकते हैं कि मिश्रण अच्छे से बाइंड हो रहा है, इसका मतलब मोदक बनने में दिक्कत नहीं होगी। सबसे पहले हम मिश्रण को साचे के कॉर्नर में से प्रेस करते हुए भरते जाएंगे। ये देखिए, इस तरह हमें मिश्रण भरना है। अब बीच में थोड़ी जगह बनाएंगे, जिसमें हमें ग्रेटेड काजू, ग्रेटेड बादाम और ग्रेटेड कैडबरी चॉकलेट को थोड़ा थोड़ा भरना है। ये देखिए, इस तरह हम तीनों चीजों को थोड़ा थोड़ा भरेंगे।
और अब फिर से मोदक का मिश्रण लेकर ऊपर से कवर करके अच्छे से प्रेस करके मोदक कंप्लीट करेंगे। अब हम सांचे को खोल लेते हैं। ये देखिए मोदक का शेप आ चुका है। अब इसे सांचे से निकाल लेते हैं। कितना खूबसूरत लग रहा है ये मोदक। अब इसे एक प्लेट में रख देते हैं और बाकी के मोदक भी इसी तरह बना लेते हैं। तो दोस्तों, आप भी इस बार त्योहारों के सीजन में इस आसान और झटपट बनने वाले चॉकलेट मोदक को जरूर ट्राई करें। और आपको ये मोदक कैसा लगा वो मुझे वीडियो के नीचे दी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। साथ ही इस रेसिपी को अपने दोस्तों से शेयर करना ना भूले। धन्यवाद। फिर मिलेंगे नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय एंड गुड डे।